दोस्तों, क्रिएटिव एकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। इमला का जो सीरीज का जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये 7वां वीडियो है। इस वीडियो में मैं एक जो टॉपिक चुन रहा हूँ वो है कि विज्ञापन हम लोगों के जीवन में इतना ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है कि एक अच्छी बात को लेकर भी अगर विज्ञापन हमारे जीवन में आए तो हमको इरिटेशन होता है, गुस्सा आता है। टीवी देखते देखते बीच में कोई इतना अच्छा प्रोग्राम चल रहा है और बीच में जब विज्ञापन घुसेड़ देता है तो दिमाग में एकदम बहुत सारा गुस्सा आ जाता है। तो मैं ऐसा ही टॉपिक एक चुन रहा हूँ आज, विज्ञापन ही विज्ञापन, जिसमें मोहन राकेश जो मतलब लेखक हैं वो विज्ञापन के ऊपर एक व्यंग किए हैं। तो मैं तो पूरा नहीं बोलूँगा, लेकिन उसका एक स्टैंजा, एक पैरा आपको बोलूँगा तो आपको अच्छा भी लगेगा और आपको जो हिंदी का जो प्रैक्टिस है उसमें थोड़ा सा एक अलग अनुभव प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा कुछ ना देर करते हुए, ये रहा आपका पहला वाक्य। मेरे पड़ोसियों की मुझ पर ऐसी कृपा है। कि रात को सोने तक और सुबह उठने के साथ ही मुझे गज़लें, भजन और गीत और उनके साथ साथ चाय तेल और सिर दर्द की टिकियों के विज्ञापन सुनने पड़ते हैं। अब तो मुझे ये विज्ञापन सुनने
की ऐसी आदत हो गई है। कि अन्यत्र कहीं भी मैं गालिब की गजल सुनता हूँ। या सूरदास का भजन सुनता हूँ। या कोई अच्छा सा गीत सुनता हूँ। तो मेरे दिमाग में अपने आप ये शब्द गूंजने लगते हैं। क्या आपके सिर में दर्द रहता है? सिर दर्द से छुटकारा पाइए। कि एक गोली लीजिए, सिरदर्द गायब।
मतलब यह कि जहाँ जाएं, जिधर जाएं, इन विज्ञापनों की लपेट से बच नहीं सकते। घर में बंद होकर बैठ जाएं तो विज्ञापन रोशनदानों के रास्ते हवा में तैरते आते हैं। क्या आज आपने दांत साफ किए हैं? सवेरे उठते ही सबसे पहले क्लोरोफिल वाले टूथपेस्ट से दांत साफ कीजिए। याद रखिए दांतों को रोगों से बचाने का यही एक साधन है।
है।